कर्मचारियों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। तो सरकार बिल्कुल ऐसी नींद में सो रखी है कि उससे कुछ निकाय कर्मचारियों की कुछ सुधी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया, उनसे पर्सनल वार्ता भी हुई कि कोई निकाय कर्मचारी की समस्याओं पर ध्यान दो, लेकिन अभी तक ये गूंगी बहरी सरकार, इनका कोई वो नहीं आया कि भाई कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाए गए, किस क्या तुम्हारी समस्या है, कोई सुनवाई नहीं हुई। 13 तारीख को, अब कल हमारा वो है, ये इसी प्रकार से प्रदर्शन का कार्यक्रम है और 13 तारीख को समस्त निकाय के कर्मचारी अपना एक दिन का सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। 16 से 19 तारीख तक हम लोगों का कार्मिक धरने का कार्यक्रम होगा और अगर सरकार तभी नहीं चेती तो हम 20 तारीख से समस्त निकाय के कर्मचारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी क्योंकि कर्मचारियों ने पूरा समय शासन को और सरकार को दिया। तो क्या मानते हैं 2022 के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? जिस सरकार में कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया हो, कर्मचारियों का शोषण किया गया हो, कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई हो, उस सरकार का उत्तराखंड से पतन हुआ है।